बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरदर्शी और नैतिक नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 साल की उल्लेखनीय यात्रा को बताते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने नव निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने दायित्व के निर्वहन की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही चुनाव आयोग का भी आभार माना। महोदय, हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा की चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारी सरकार का निर्णय ही उसे सुखद परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में बंद, हड़ताल और हिंसा जैसा वातावरण हुआ करता था, आज पहली बार धारा 370 के हटने के बाद वोटिंग में कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम हुआ है और विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने का काम जम्मू और कश्मीर में हुआ है। भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पर भरोसा जताया है, क्योंकि आंखों के सामने विकसित भारत का लक्ष्य था। हम दृढ़ संकल्पित होकर चलते रहे। विरोधी हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर राष्ट्रहित के दिए आंधियों में भी जलते रहे। हमारे भारत की जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा इसलिए जताया क्योंकि यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा, ईमानदारी, योजना और सुशासन का चुनाव था। इसलिए भारत की जनता ने आदरणीय मोदी जी और हमारी सरकार पर विश्वास जताया। आदरणीय महोदय, राष्ट्र के विकास से हमारी सरकार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक संस्था और व्यक्ति को इसलिए संकल्पित होना चाहिए कि हर प्रयास एक विकसित भारत की सफलता हेतु हो। सफल चंद्रमान मिशन से लेकर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तक इटली में हुई G7 समिट में भारत को देखने के विश्व के बदलते नजरिए से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार अपने संकल्प पर कायम है। और इसी संकल्प के साथ 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। आज भारत अकेले ही दुनिया की, जैसा कि मैं बता रही थी, आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रहा है। वैश्विक महामारी के कालखंड को झेलने के बावजूद रफ्तार से विकास दर हासिल करते हुए हमारी सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। महोदय, हम जानते हैं कि विकसित भारत का सार 4 स्तंभों में निहित है। युवाओं की ताकत, किसानों के लिए समर्थन, गरीबों का उत्थान और महिलाओं का सशक्तिकरण। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार का व्यापक दृष्टिकोण सराहनीय रहा है। एक ओर नए युग की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जहाँ एक ओर शक्ति से लड़ने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नार्यस्तु राष्ट्रस्य स्वः में विश्वास करते हुए शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित करने का सम्मान देते हैं। सरकार की योजनाओं की वजह से महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं। सरकार के प्रयास से तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 करोड़ नए घर बनाने जाने को भी स्वीकृति दे दी गई है। जैसा मैं कह रही थी कि आज 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है।
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का व्यापक अभियान भी हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिलाओं के कौशल, कमाई और सम्मान को बढ़ाने में नमो ड्रोन दीदी योजना भी सहायक बन रही है। हाल ही में सरकार ने कृषि सखी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र देकर उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी महिलाओं को बहुत अधिक लाभ पहुंच रहा है। इस हेतु मैं हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। माननीय सभापति महोदय, जय जवान जय किसान के मंत्र पर काम करते हुए नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफ़र करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सरकार द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि दी जा चुकी है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार किसान उत्पादन संघ, एफपीओ और पैक्स जैसी सहकारी संगठनों का भी एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। आने वाला समय हरित युग का है। हमारी सरकार इसके लिए हर ज़रूरी कदम उठा रही है। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। भारत में आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंच रही है। वंदे मेट्रो जैसी कई योजनाओं पर आज काम चल रहा है। आज सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। माननीय उपसभापति महोदय, योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है। सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। कोरोना का महासंकट हो, भूखंड जैसी कई त्रासदी हो या फिर युद्ध की परिस्थितियां हों, भारत मानवता को बचाने में हमेशा आगे रहा है। गुलामी की निशानी को खत्म करते हुए नई न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करने का काम भी आज हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, मैं उन पंक्तियों को याद करना चाहूँगी जिसमें कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। संचय ही करना है तो हमारी संस्कृति का हम संचय करें, जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगा। इस भाव के साथ हमारी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के लिए भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में प्रेरणा देने का काम विरासत के माध्यम से सरकार कर रही है। मैं इस हेतु पुनः सरकार को बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, बाबा साहब अंबेडकर जी का मानना था कि किसी समाज की प्रगति निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। इसे अपनाते हुए पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार भी गरीब का सशक्तिकरण ही रहा है। कोरोना के कठिन समय में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की अन्न योजना हो या स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम हो, 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो या 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम हो, हमारी सरकार ने अक्षरशः बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों का पालन किया है। सरकार की योजना का ही परिणाम है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। महोदय, मुझे गर्व है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर महू की मैं खुद निवासी हूँ। हम जानते हैं कि देश में भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था, तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थीं जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी, और संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ भ्रम फैलाने वाले उन सभी लोगों को, जब काला दिवस, आपातकाल 25 जून
1975 को हुआ था, तब संविधान पर सीधे हमले का काला अध्याय लिखा गया था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। कई निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। जिन लोगों को बंद करा उनके जीवन तो तबाह हुए ही, लेकिन उनके पीछे कई परिवार भी तबाह हो गए। कई घर के कमाने वाले जेल में बंद थे। कई घरों से एक एक नहीं दो दो तीन तीन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इस पीड़ा और दंश को कई परिवारों ने झेला। उन परिवारों में से एक परिवार मेरा भी था जिसने उस दंश और उस पीड़ा को झेला। आज भी जब आपातकाल के उन दिनों को याद करते हैं तो पीड़ा से कर्रा उठते हैं। हम जानते हैं एक तरफ ये पीड़ा और दर्द देने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है जो संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम नहीं बना रही बल्कि यह जन आधार का आधार बने, जन कल्याण का आधार बने, इसलिए दिन रात अथक परिश्रम भी हमारी सरकार कर रही है। महोदय, पिछले दशक में हमारी सरकार की कई प्रमुख उपलब्धियां रही है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सार्वजनिक सेवाएं दूर दराज के कोनों तक भी पहुंची है और हम इस प्रगति के लिए प्रतिबद्ध भी है। हमारे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ भारत खुद को एक वैश्विक गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज तैयार है। आने वाला दौर भारत का है और राष्ट्रहित में हमारे संकल्प की सिद्धि है। इस हेतु अटल जी की उन पंक्तियों को भी मैं याद करना चाहूँगी जिसमें माननीय अटल जी ने कहा था कि ये भारत देश मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा समान है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर के समान है। हम जिएंगे तो इस भारत देश के खातिर और मरेंगे तो इस भारत देश के खातिर, और जब मरेंगे तो गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से भी अगर कान लगाकर पूछेंगे तो उसमें से एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। इस भारत माता की जय के लिए ही और इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए विकसित भारत के संकल्प को साथ लेकर हमारी सरकार दिन रात अथक परिश्रम कर रही है। हम जानते हैं पिछले 10 सालों का वो सफ़र जिसमें पार्टी ने हर क्षेत्र हर एक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया है, पूरे देश की दशा और दशा को परिवर्तित करने का काम किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में इसको संदर्भित किया है कि हमारा संकल्प इस देश को विकसित बनाने का है, परम वैभव पर पहुंचाने का है और इसलिए हम सबको मिलकर साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भारत के लिए जिए, भारत को विकसित बनाने के लिए जिए और सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलेगी। मैं पुनः इस आशा के साथ एक बार वापस से मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।